सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं। अब वो घड़ी आ चुकी है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 किस तारीख से शुरू होने वाला है और किस तारीख को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसमें टोटल कितनी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है, वो कौन कौन सी टीम है और सभी टीमों के बीच टोटल कितने मुकाबले खेले जाएंगे और सभी मैचेस कौन कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे, कौन कौन से वेन्यू पर खेले जाएंगे, इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। अब आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है और इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सभी टीमों का एक सपना रहता है। जहां इस बार वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा यानी कि वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा 50-50 ओवरों का, और इस बार का ये ओडीआई वर्ल्ड कप कहीं और नहीं बल्कि भारत में खेला जाएगा यानी कि इंडिया होस्ट करने वाली है। तो इससे वर्ल्ड कप 2023 का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि भारत में क्रिकेट को हम त्योहार की तरह मनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड कप 2023 के डेट और तारीख के बारे में। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इस बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेला जाएगा, जो कि 5 अक्टूबर 2023 को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और इसका फाइनल महामुकाबला 19 नवंबर 2023 को खेला जाएगा। यानी कि इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक खेला जाएगा भारत में। बात सभी टीमों के बारे में तो इस बड़े टूर्नामेंट में इस बार टोटल टॉप की 10 टीम पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत सभी बड़ी बड़ी टीमें इस वर्ल्ड कप 2023 में खेलने वाली हैं। जहां इन सभी 10 टीमों के बीच वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 48 मुकाबले खेले जाएंगे सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले को लेकर। जहां इस बार वर्ल्ड कप 2023 राउंड रोबिन और नॉकआउट के फॉर्मेट में खेला जाएगा, वनडे फॉर्मेट का होगा यह टूर्नामेंट यानी कि 50-50 ओवरों का। तो बात करते हैं वर्ल्ड कप 2023 के स्टेडियम वेन्यूज के बारे में। तो वर्ल्ड कप 2023 के सभी 48 मुकाबले टोटल 12 वेन्यूज यानी कि 12 स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो सभी स्टेडियम के नाम कुछ इस तरह से हैं जो कि फाइनल हो चुके हैं। तो वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैचेस इन सभी 12 स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं बेंगलुरु के एम चंद्र स्वामी स्टेडियम में, जबकि चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में, तो वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी खेले जाएंगे, जबकि धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भी खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले। तो वहीं गुवाहाटी के ब्रासपारा क्रिकेट स्टेडियम में, जबकि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जबकि कोलकाता के एडन गार्डन स्टेडियम में भी खेले जाएंगे। तो वहीं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जबकि इंदौर के होलकर स्टेडियम में, जबकि राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, तो वहीं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप 2023 के सभी 48 मुकाबले। तो इन 12 स्टेडियम में खेले जाएंगे सभी मुकाबले। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल महामुकाबला वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम यानी कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर आप भी आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट, सबसे पहले हर एक न्यूज़ अपडेट्स और वीडियोस पाना चाहते हैं तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया है, तो लिंक पर क्लिक करिए और फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो आपके अनुसार वर्ल्ड कप 2023 का खिताब कौन सी टीम जीतने वाली है, क्या टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप 2023 जीत पाएगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।